बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उद्धव सरकार अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उधर कंगना रनौत, शिवसेना, उद्धव सरकार और संजय राउत को चैलेंज देकर मुंबई पहुंची, तो वहीं बीएमसी भी कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने में जुट गई है। जिस ठाकरे परिवार के आगे बॉलीवुड नतमस्तक होता है, उसी ठाकरे परिवार के खिलाफ कंगना रनौत ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। उनकी इस हिम्मत की बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने जमकर तारीफ की है। दरअसल शिवसेना ने ऐलान किया था कि कंगना रनौत अगर मुंबई में कदम रखेंगी तो शिवसेना के महिला कार्यकर्ता उन्हें थप्पड़ जड़ेंगे। इन धमकियों के बावजूद निडर कंगना रनौत मुंबई पहुंच गए। रोड मुसाफिर, एक खिलाड़ी एक हसीना, अपना सपना मनी मनी जैसी फिल्में करने वाली कोयना मित्रा ने कंगना के इस साहस को सलाम करते हुए कहा, कुछ महिलाएं आग से डरती हैं, कुछ महिलाएं आग बन जाती हैं, क्वीन का स्वैग से करो स्वागत। कंगना रनौत मुंबई तो पहले भी आती रही हैं क्योंकि ये उनकी कर्मभूमि है, लेकिन इस बार वो उद्धव सरकार को चैलेंज करके मुंबई आई हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया था कि मैं मुंबई आ रही हूँ, आप लोग मारिए मुझे क्योंकि मुझे इस देश की मिट्टी का कर्ज निभाना है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ, आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने वादे के मुताबिक कंगना रनौत तो मुंबई पहुंच गए, लेकिन शिवसेना और कंगना को हरामखोर बोलने वाले संजय राउत कुछ नहीं कर सके। हाँ, ये जरूर है कि उद्धव सरकार में बीएमसी कंगना का दफ्तर जरूर तोड़ रही है, ये आरोप लगाकर कि उन्होंने अवैध निर्माण कराया है। अब शायद बीएमसी को भी ये अवैध निर्माण अभी ही नजर आया होगा, इससे पहले हो सकता है कि अवैध निर्माण रहा हो। बीएमसी की इस कार्रवाई पर भड़की कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को बाबर बताते हुए कहा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली बार अयोध्या की घोषणा हुई, ये मेरे लिए इमारत नहीं मंदिर ही है, आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।